नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। पूर के लोग चाहते और सतत प्रजालक्षी कार्यों में अपनी 30 साल से सेवा देने वाले अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व पार्षद हसन लाला पठान की ओर से दरियापुर चारवाट पर आई हसन लाला के ऑफिस दरियापुर डिजिटल सेवा केंद्र में आरोग्य विभाग अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा संचालित दीनदयाल औषधालय, जो हर तरह से निःशुल्क सारवर केंद्र है, उसका उद्घाटन यानी दुआ का एक कार्यक्रम दरियापुर चारवाट पर रखा गया था, जिसमें मौलाना मुफ्ती हबीब अहमद, जो ईसा फाउंडेशन से चेयरमैन है, उनके हाथों से रिबन काटकर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में अंसार नगर से मौलाना महबूब साहब और मौलाना अंजुम साहब सिद्दीक मस्जिद कालूपुर से और मौलाना ताहिर पठान पांचकुआ से, इसी तरह सिविल अस्पताल से डॉक्टर सरफराज शेख और खास दरियापुर पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर श्री चौधरी साहब ने हाजिरी देकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी। इस समग्र कार्यक्रम में आखिर में मुफ्ती रिजवान लाल मस्जिद वालों ने अल्लाह से दुआ करके सबकी खैर मांगी थी। इस कार्यक्रम में दरियापुर विस्तार में से एक लड़का CA बना है, जिसका नाम मोहम्मद सलीम है। उसको मौलाना हबीब ने शाल उड़ाकर उसका सम्मान किया और बच्चों को पढ़ाई पर खास ध्यान देने की नसीहत दी। इसी तरह इस दवाखाने के डॉक्टर समीना पठान का भी फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। इस समग्र कार्यक्रम का संचालन अजीत भाई गांधी ने किया था। SR न्यूज गुजरात के लिए सावन अरियार हड़किया की रिपोर्ट। इसी उजागर कर दी ना दोस्तों कि अब वो शहर के अतराफ के लोगों की आंखें खुली कि यार ऐसे मध्यम वर्ग के विस्तार में से और गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले भी हमारे वहां कई लोग हैं। ऐसी फैमिली से हमारा ये बच्चा चार्टर्ड अकाउंटर बना, हमारे दरियापुर के तमाम के लिए बहुत फख्र की बात है। ये क्योंकि मैं तो पढ़ा हूँ, LLB हुआ, इस तरह से पढ़ा था, मैं जानता हूँ। ये दूसरा CA हमारे लिए हुआ, एक जखवान साहब अमानुल्लाह भाई, जखवान खान अमानुल्लाह खान के लड़का, जिसको लास्ट टाइम यहाँ बुलाया गया, अपने मेहमान ने इनका इस्तकबाल किया था, और आज दूसरा ये बच्चा हमारा CA हुआ है। तो हमारा फख्र से सिर उठा है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ तालीम की ओर जाएंगे तो हमारे सामने आने वाली जितनी भी आफतें हैं तो तमाम आफतें वैसे वैसे की मिट जाएगी। और इस दौर में हमको तालीम की जरूरत है और तालीम पे जरूर ध्यान देना चाहिए। मैं हमारे ये CA साहब को कहता हूँ कि मंच पे आए और इनका स्वागत हबीब साहब करेंगे। ये बच्चे का स्वागत जब मौलाना हबीब साहब ने सुना तो यार वो बच्चे का इस्तकबाल तो मेरे हाथों से करूँगा दुआओं के साथ में। जनाब मोहम्मद सलीम स्टेज पर आ जाए, मौलाना हबीब साहब दुआओं के साथ में आपका इस्तकबाल करते हैं। ये मोहम्मद सलीम का इस्तकबाल नहीं है, हमारे दरियापुर का इस्तकबाल है और इसके लिए हमें बहुत बड़ा फख्र है। अल्लाह ताला इस बच्चे को खुद माशाल्लाह माशाल्लाह हबीब साहब ने अपने तरफ से एक शाल लेकर आए हैं इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए, जिसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मौलाना हबीब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा बच्चों के हौसले बढ़ाए। तालीम के लिए मंच पर विराजमान आदरणीय मौलाना साहिब, वडिलो बुजुर्गो, आप सर्व दरियापुर ना पुलिस इंस्पेक्टर तरीके मने आव्या ने 6 मास जेटलो समय थयो छे। ज्यारे मारी ट्रांसफर अहींया थई त्यारे मने थोड़ुं एवुं लागेलुं के थोड़ुं दरियापुर, पण अहींया आव्या पछी मने एवुं लागे छे के बहु सारी जग्या छे। અહીંયા કઈ એવી જે નામ બહારથી આપણને બિવડાવવામાં આવે છે એવું કઈ છે નહીં, અને બધા જ લોકો શાંતિથી પોતાના કામ પ્રત્યે સતત વ્યસ્ત જણાઈ આવે છે। મને અહીંયા કોઈ એવી જે અમારી ભાષામાં કહી શકાય નોટરિયસ ટાઈપની કોઈ એક્ટિવિટી ખાસ જણાઈ આવી નથી, થોડા ઘણું તો જે દરેક જગ્યાએ હોય જ છે, દરિયાપુર હોય કે કોઈ પણ જગ્યા હોય, જે કશું જ ના હોય તો પોલીસ સ્ટેશન રાખવાની જરૂર જ ના પડે, બરાબર, એટલે એ તો ઠીક છે
પણ ક્રાઇમ રેટ ઘણું જ ઓછું છે આ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનું ફક્ત સંવેદનશીલતાની દ્રષ્ટિએ અતિ મહત્વ આપવામાં આવેલ છે આજના જે આ પ્રોગ્રામ છે દરિયાપુર વિસ્તારમાં પંડિત દીનદયાળ યોજના અંતર્ગત જે દવાખાનું મંજૂર થયેલ છે અને જેનું આજે અહીંયા શરૂઆત આ શુભ તકે થઈ રહી છે એ માટે ખૂબ ખુશીની વાત છે કે આપણી દરિયાપુર વિસ્તારની જનતાને આ સરકારી યોજનાનું દવાખાનાનું ઘર આંગણે લાભ મળશે અને જે આર્થિક રીતે ખૂબ જ જરૂરી હોય છે કે આ આ પ્રકારના દવાખાનાથી ગરીબ પ્રજાને ઘણો સહારો મળતો હોય છે તો આનંદની વાત છે નમસ્કાર મેં હું રવિ દુબે ઓર આપ દેખ રહે હૈ એસઆર ન્યૂઝ ગુજરાત લાઇક સબસ્ક્રાઇબ એન્ડ શેર અગર આપકો હમારી બતાઈ ગઈ ખબરે અચ્છી લગે તો ઉસે લાઇક કરે શેર કરે ઓર સબસ્ક્રાઇબ કરે ઓર હા અગર આપ હમસે જુડે રહેના ચાહતે હૈ તો હમારી એસઆર ન્યૂઝ ગુજરાત ચેનલ કો સબસ્ક્રાઇબ કરે ઓર બેલ આઇકન દબાના ન ભૂલે તાકી હમ સદા આપસે જુડે રહે और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।